नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, पाकिस्तान में लगता है कि धीरे धीरे इलेक्शन रिगिंग पर धूल के बादल छंट रहे। सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब गवर्नमेंट बनाने की बात सोच रही, क्योंकि 29 फरवरी को नेशनल असेंबली का इजलास होना है। उसके बाद मेंबर्स को ओथ दिलानी है और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होना है। इस चीज को प्रायोरिटी मानते हुए पॉलिटिकल पार्टीज अब रिगिंग के आरोपों को दरकिनार करते हुए गवर्नमेंट फॉर्मेशन पर ध्यान देने लगी। बहुत खूबसूरत लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट में से किसी ने इन पॉलिटिकल पार्टीज को ये होमवर्क दिया है, जो कि 29 फरवरी तक पूरा हो जाना चाहिए और सारी की सारी पार्टीज अच्छे स्टूडेंट्स की तरह होमवर्क पर ध्यान दे रहे हैं। इससे पहले आपको पता है बड़े बड़े खुलासे हुए। रावलपिंडी के कमिश्नर ने खुद खुलासा करके कहा कि 13 सीटों पर उन्होंने इलेक्शन के नतीजे बदले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 नतीजों को निरस्त कर दिया। जीता हुआ कैंडिडेट खुद कहने लगा कि मुझे जिताया गया है, और दीगर खुलासे बाहर की प्रेस, इन सभी ने पाकिस्तान के इलेक्शंस की बहुत ज्यादा भर्त्सना की। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की ऑल पावरफुल आर्मी बैकग्राउंड में चली गई और उन्होंने वहां से जो बैकग्राउंड से काम किया है वो काबिले तारीफ है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज अभी इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं कि अगली गवर्नमेंट कैसे बने। मजे की बात यह है कि एक पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन रिगिंग के बारे में अर्जी दी थी। जब सुनवाई हुई तो पिटिशनर गायब था, घर छोड़कर जा चुका था। मैं आप पर छोड़ता हूं कि वो पिटिशनर यकायक कैसे गायब हो गया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी किया। खैर, अफवाह गर्म है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल करके अगली सरकार बनाएगी, और अभी तक की बार्गेनिंग में ये साफ हुआ है कि नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और दूसरी बार आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनेंगे। पाकिस्तान की प्रेसिडेंट की भी पोस्ट काफी दिनों से खाली है और इसके इलेक्शंस तुरंत होने हैं। यहां पर एक छोटा सा पेच है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट ज्वाइन करने की इच्छा नहीं जताई। क्या यह इंडिकेटर है यह जानने का कि शायद ये गवर्नमेंट ज्यादा देर तक ना चल पाए? और इसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अभी हाल में पाकिस्तान के एक थिंक टैंक ने बताया है कि पाकिस्तान का डेट बर्डन बहुत सीरियस है, और जिस तरीके के इकोनॉमिक हालात हैं और जिस तरीके की उम्मीदें लोग एक नई गवर्नमेंट से पालेंगे, इतना आसान न होगा शहबाज शरीफ को कि वो डिलीवर कर सके। बहरहाल, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी ने सुन्नी इतिहाद काउंसिल के साथ हाथ मिलाकर अपने सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बन के आएंगे, तो अब लड़ाई शुरू होगी नेशनल असेंबली में और सड़कों पर। लेकिन पाकिस्तान को एक गवर्नमेंट मिलने वाली है।
आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।